अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजान अनवर, एक बार फिर आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आज हम बना रहे हैं। बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है ये सैंडविचेस। सैंडविचेस आप लोगों ने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके लिए सैंडविचेस बना रही हूँ वो कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं। ये हम बना रहे हैं इटालियन टॉर्टियाज सैंडविचेस, पिन व्हील सैंडविचेस हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, इटालियन ड्रेसिंग 2 खाने के चम्मचे, हरी मिर्च 3 अदद बारीक कटी हुई, प्याज 3 चम्मच खाने के कटे हुए, हरी प्याज कटी हुई स्लाइस्ड, सिया जैतून हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 1 अदद स्लाइस्ड, मोजरेला चीज़ 1/2 कप, पेपरोनी हस्बे ज़रूरत, क्रीम चीज़ 1 पैकेट। यहाँ पे मैं एक एक करके ये इसको थोड़ा सा हमारा ये गर्म हो जाए तो ये सेकते हैं। अच्छा, एक मैं बोल ले लूँगी जिसमें मुझे इसकी फिलिंग तैयार करनी है। अच्छा देखिए, वैसे तो जैसे मैंने सब्जियों के बारे में बताया था कि बच्चे जो हैं वो सब्जियां नहीं खाते, अब आप क्या कर सकती हैं कि आपने ये सैंडविच बनाए हैं इसमें ये शिमला मिर्च भी जाएगी, तो आप इस तरह के मुख्तलिफ़ सैंडविचेस बना के शिमला मिर्च जो है आप उसमें ऐड कर सकती हैं, टोमेटोज़ ऐड कर सकती हैं, उसको सीड्स निकाल दें आप बीच से, उसके सीड निकाल के इसी तरह स्लाइस करके या बारीक चॉप करके वो भी आप फिलिंग में डाल के वो भी ऐड कर सकती हैं इसमें। तो बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो आप इस तरह करके बच्चों को खिला सकती हैं। देखें ये मैं गरम कर रही हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। अभी मैं टॉर्टिया जब फिलिंग तैयार कर लूँगी साथ साथ इसको गर्म करती जाऊँगी और इसकी फिलिंग अंदर करती जाऊँगी, रोल करती जाऊँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह करना है। ये हमारे पास है क्रीम चीज़ जो मैंने 1 टब लिया था, ये पूरा मैं क्या बार बार मैं एक बात बताती हूँ और कहती भी हूँ कि रेसिपीज़ में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ बतानी होती है, एक तरीका बताना होता है ताकि आप उसमें वेरिएशंस करके बना सकें। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है आपके घर के करीब या कहीं से नहीं मिली, या आप बहुत सारे लोग होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते या उनके लिए एक्सपेंसिव होता है, तो आप ना कीजिए। आप घर में चिकन अगर है आपके तो आप चिकन पर मसाला लगा लें, नमक मिर्च और जो टिक्का मसाला होता है या गरम मसाला अपने हिसाब से, आप जो भी मसाला लगाती हैं चिकन टिक्के का आपने वो लगाया, उसको आपने मैरिनेट करके रख दिया, उसके बाद आप क्या करें उसको फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप उसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए, पीसेस करने के बाद इसकी जगह आप वो चिकन भी उसमें ऐड कर सकती हैं, तो ये भी आप कर सकती हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी, मैं साथ साथ जो है एक फिल करके भी दिखाती हूँ, इतना नहीं भरना कि वो रोल भी ना हो पाए, सिर्फ 1/4 कप के करीब आपको जो है वो इसमें ये फिलिंग डालनी है और इतने इतने एजेस जो किनारे हैं आपको छोड़ देने हैं। ये आपने इस तरह किया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मेरे पास प्याज शिमला मिर्च और हरी मिर्च थी ये मैं इस पर रखूँगी ऐसे इसी तरह का करके, और आपने एक ये रखा, एक या दो रख लें इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने सैलड लीव इसी तरह रखा, ऐसे ही रखा, रखने के बाद ये जो मोज़रेला चीज़ है वो आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके, ज़्यादा नहीं रखनी, थोड़ी सी रखनी है बस 1 टीस्पून के करीब, ये आपने रखा और इसको आपने एक हाथ से यूं किया, दबाया ऐसे, इस तरह से आप इसको फिल कर दें।
लेयर्स नजर आ रही होंगी सारी। डेकोरेट करते हैं ना अपना खाना, तो जब आप बनाना शुरू करते हैं तो वो खुद ब खुद दिमाग में आपके जो है वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि अब किस तरह करना है, अब इसमें और क्या चीज़ हो सकती है। ये आपके रेडी हो गए हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मेरी रेसिपीज़ ट्राई भी करती हैं, मुझे फ़ीडबैक मिलता है और मुझे ख़वातीन कहती हैं